वायु शोधन के लिए, जैसे हम बता दें वायु शोधन एयर प्यूरिफिकेशन, तो ये एयर प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम आपको दो चीजें बताएंगे जो आयुर्वेद पे ही आधारित है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, दालचीनी, हरितकी, मुस्ता, चंदन। तो यहाँ पे जो पहली जो प्रोसेस है उसमें आपको इतनी चीजों की जरूरत है, इससे भी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन मैंने जो मेन है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जैसे लिखा है दालचीनी, हरितकी, मुस्ता, चंदन, ये किसी भी सारी चीजें खरीद सकते हो, और सभी को एक साथ मिला करके आपको क्या करना है, जला देना है, और जला करके आपको धुआं करना है, धूम करना है, मतलब कि धूम उत्पन्न करना है, जिससे आसपास की वायु क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो हवा में मौजूद जो विषाणु और जो जीवाणु है, मतलब कि जो वायरस और जो बैक्टीरिया, वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और हवा क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। और वहां पे अगर आप रहते हो तो आपको जो एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब कि जो हवा से होने वाली जो बीमारियां हैं, वो नहीं होंगे। दूसरी जो चीज है उसमें कर्पूर, धूप, चंदन, नीम, कर्पूर कपूर को बोलेंगे, संस्कृत में मैंने मेंशन किया हुआ, कर्पूर धूप आपको मार्केट से मिल ही जाएगा, चंदन और नीम्ब, नीम्ब संस्कृत में नीम, नीम को नीम्ब कहा जाता है, तो नीम्ब मैंने मेंशन किया हुआ। फिर गंधक है, गंधक, गंधक भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, और गुगलू। तो ये सारी चीजें ला करके आपको क्या करना है, हवन करना है, बड़ी मात्रा में अगर आप हवन कर देते हो, तो हवन करेंगे तो उसमें से भी धुआं उत्पन्न होता है, लेकिन ये जो क्षेत्र है बड़ा, मतलब कि अगर हवन करेंगे तो बहुत बड़े मात्रा में धुआं निकलेगा, और एक बड़ा क्षेत्र क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, वहां की वायु शुद्ध हो जाएगी, और वहां पे जो बैक्टीरिया या वायरस वहां पे मौजूद है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और ये वायु शोधन की सबसे अच्छी थियरी है, आप अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर काम करते हो तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, और इसके साइड इफेक्ट भी आपको नहीं है। तो इसलिए आप इस पे, अगर आप आयुर्वेद से पढ़ रहे हो या नहीं भी पढ़ रहे हो, जो भी लोग चैनल में नए हैं उनके लिए भी ये चीजें हैं कि अगर आप आयुर्वेद को नहीं भी मानते हो तो एक बार आप इन चीजों को करके देखिए, तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी भ्रामक चीजें सोशल मीडिया पे और आपके आसपास फैलाई जाती है कि आयुर्वेद में इन चीजों का इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, उसका इलाज नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देती है, और हम संस्कृति और सभ्यता से जुड़ करके ही अपने प्रकृति की चीजों का प्रयोग करके ही दवा करते हैं, और इससे 100% बेनिफिट मिलता है, और आयुर्वेद हर चीज की के इलाज का दावा करता है, और उसके पास हर चीज का इलाज है, और इससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे फिलहाल उस चीजों को छोड़िए, बाद में उस पर डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वायु शोधन का जो प्रोसेस आपको बताया गया, तो दो चीजें हमने बताया है, एक तो हमने धुआं करने के लिए बताया, जिसमें दालचीनी, हरितकी, मुस्ता। हरितकी मतलब हरड़ अगर है तो उसको हम हरितकी बोलेंगे, हर्रे को ही हरितकी बोला जाता है, हर्रे, बड़ी हर्रे या छोटी हर्रे जो भी है। तो दालचीनी, हरितकी, मुस्ता, चंदन, इन सबको एक साथ जला करके धुआं करना है, जिससे वातावरण शुद्ध होगा, उसकी वायु क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। और दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम कर्पूर बताए हैं, कर्पूर, धूप, चंदन, नींब, गंधक, गुगलू, इससे आपको क्या करना है, हवन करना है, और बड़े पैमाने पे जो बड़ा क्षेत्र है वो क्या होगा, वहां का वायु क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप रहते हो तो आपको हवा से होने वाली, दूषित हवा से होने वाली जो बीमारियां हैं वो 100% नहीं होंगी। तो ये आप एयर प्यूरिफिकेशन आप, और अगर उसे लगता है कि नहीं यहाँ की वायु दूषित है, तो आप ये वहां पे कर सकते हो, या अपने घर पे आप अपने घर वालों के बीच में बता सकते हो कि नहीं ये करने से एयर प्यूरिफिकेशन होता है, वायु शुद्ध होती है, इस समय सबको जरूरत है, हवा को शुद्ध करने की जरूरत सबको है। तो आप ये अपने घर पे ये आसानी से कर सकते हो, और इससे वायु क्या होगी, बहुत अच्छी तरह से शुद्ध हो जाएगी, और ये रहने लायक हो जाएगी।